नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। विश्व बैंक ने कहा कि 50 सालों बाद पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में होगी धीमी वृद्धि। ड्रग्स मामले में दीपिका, सारा और श्रद्धा के बैंक खातों की जांच की तैयारी, 7 बड़े अभिनेताओं से होगी पूछताछ। सुशांत सिंह राजपूत मामला, हत्या या आत्महत्या, एम्स पैनल ने सीबीआई को सौंपी रिपोर्ट। गुजरात के वडोदरा में देर रात निर्माणाधीन इमारत गिरी, 3 लोगों की मौत। किशोर चौकर को समूह के बोर्ड में निदेशक बनाने के लिए किलोस्कर, परिवार में जंग। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग पर प्रतिबंध को सरकार ने बढ़ाया। तन्मय माहेश्वरी बने आईएनएस की कार्यकारी समिति के सदस्य। भूमि अधिग्रहण मामले में 5 सदस्यीय पीठ का फैसला स्पष्ट नहीं, दोबारा होगा विचार। कांग्रेस ने कहा कि गुप्तेश्वर पांडे को जदयू ने टिकट दिया तो काफी तकलीफदेह होगा। अल्पन बंदोपाध्याय बनेंगे पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव। कोरोना से बचाएगा, ट्रेनिंग कराएगा इलेक्ट्रॉनिक मास्क, खिलाड़ियों को होगा फायदा। चीन नहीं, अब जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ वैश्विक मांग आपूर्ति बढ़ाएगा भारत। कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार मामले में पूर्व निदेशकों के खिलाफ जांच से कदम पीछे क्यों कर रही सीबीआई। केरल में आईएसआईएस की गतिविधियों में शामिल रहे सुभानी हाजा को उम्र कैद। क्लैट शुरू होने से पहले कोरोना संक्रमित छात्रों को मिली परीक्षा देने की अनुमति। केरल में गर्भवती को 3 अस्पतालों ने नहीं किया भर्ती, जुड़वा बच्चों की मौत। सरकार ने 2 दिनों में खरीदी 10,53,00,000 की धान, राज्यों में एमएसपी पर खरीदी शुरू। जेएलएल इंडिया के मुताबिक कोरोना संकट से 7 शहरों में 61% घटी मकानों की बिक्री। ओडिशा विधानसभा के उपाध्यक्ष सहित 11 अन्य विधायक हुए कोरोना वायरस से संक्रमित। चंद्रबाबू नायडू को रिवर फ्रंट अमरावती आवास को खाली करने का मिला नोटिस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया ऑनलाइन पोर्टल, कोरोना संबंधी हर जानकारी मिलेगी। असम की पूर्व मुख्यमंत्री सैदा अनवरा तैमूर का निधन, 84 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। फ्रेंच ओपन में ओसियन गोडिन को हराकर क्विटोवा दूसरे दौर में। रोला गैरो टेनिस प्रशंसकों को बेहतर डिजिटल अनुभव मुहैया कराएगा इंफोसिस। डॉक्टर्स डे पर कश्मीर की बेटियों के लिए महिला फुटबॉल टीम, रियल कश्मीर ने की टीम के गठन की घोषणा।